अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में। तो सबसे पहले ये इंटरफेस आपको नज़र आएगा जब आप गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन करेंगे। तो इसमें ये दो ऑप्शन शो होते हैं। सबसे पहले डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे आप अपना कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो किस लैंग्वेज का कीवर्ड है, और यहाँ पे वो कंट्री के हिसाब से, अगर आप ग्लोबल देखना चाहते हैं तो फिर कंट्री को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप अपनी डोमेन का यूआरएल लिखेंगे तो सर्विसेज, प्रोडक्ट्स या ब्रांड जो आपकी वेबसाइट ऑफर नहीं करती वो फिल्टर हो जाएंगी। उसके अलावा स्टार्ट विद वेबसाइट, अगर आप किसी वेबसाइट के कीवर्ड्स देखना चाहते हैं या किसी पेज के, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपके पास अगर बल्क में कीवर्ड्स हों तो उन मैट्रिक्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं, मतलब उनकी सीपीसी, उनका एड कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम वगैरह। तो सबसे पहले पहले ऑप्शन को ओपन करते हैं। यहाँ पे एक जनरल कीवर्ड लिखते हैं, वीडियो गेम्स, गेट रिजल्ट्स। तो जो कंप्लीट फ्री वर्जन होता है उसका मसला ये होता है कि उसमें ये जो सर्चेज हैं ये इस तरह करके एस्टिमेट में शो होती हैं, जबकि अगर आपने कोई 100-200 रुपया स्पेंड किया हो तो फिर आपको सर्चेज भी शो होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पेड है जिस पे मैं स्पेंड करता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट शो होती हैं। अब इसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिसिंग है, जैसे ये फोरकास्ट मिसिंग है, उसके अलावा ये जो है मंथली सर्चेज ये भी मिसिंग है। इस तरह अगर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उन्होंने जो फ्री वर्जन है उनके लिए ख़त्म कर दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये शो हो तो फिर आपको कोई 100-200 रुपए के ऐड चलाने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्पेंड नहीं करना चाहते तो फिर आप गूगल के मैट्रिक्स के लिए आप एक एक्सटेंशन कर सकते हैं, कीवर्ड्स एवरीवेयर। इसके कुछ फ्री अल्टरनेटिव्स भी हैं लेकिन वो इतने ख़ास अच्छे नहीं हैं, जैसे WMS और कीवर्ड सर्फर, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है जितने ज़्यादा ये एक्यूरेट है और काफ़ी हद तक यूज़फुल भी। अच्छा जी, उसके बाद हम एक दफ़ा वापस चलते हैं। अब हम सर्च करते हैं वेबसाइट के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल के ऊपर लिखता हूँ वीडियो गेम, गेम शॉप को कॉपी करते हैं। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड जो इस पेज के रेलिवेंट हैं वो शो हो रहे हैं, 2747। अब हम चाहते हैं कि जो नॉन ब्रांडिंग कीवर्ड्स हैं वो शो हों, डज नॉट कंटेन गेम स्टॉप। तो ये देखें, ये वो कीवर्ड्स हैं मतलब जिनमें ब्रांड वगैरह नहीं है, तो ये वो शो हो रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन, इसमें आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं बल्क में। फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है, इनको मैं करता हूँ कॉपी। यहाँ पे गेट स्टार्टेड,
तो यहाँ पे इनके मैट्रिक्स शो हो जाएंगे, मतलब कॉस्ट और एस्टिमेटेड क्लिक्स हमारे बजट के हिसाब से, इम्प्रेशन। अच्छा जी, उसके बाद हम दोबारा चलते हैं, आप एक दफ़ा पूरी इंटायर वेबसाइट का देखेंगे। तो अब जिस तरह पहले फिल्टर ऐड किया था, यहाँ पे भी फिल्टर डज नॉट कंटेन गेम स्टॉप। तो ये देखें, ये सारी टर्म्स शो होंगी जिसके ऊपर ये रैंक कर रही है। अच्छा, अब एक और चीज़ के हम फ्री में एग्जैक्ट किस तरह देखें सर्च वॉल्यूम, वो भी विदाउट एनी स्पेंडिंग। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, आपके जो कीवर्ड्स होंगे आप उन्हें करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से एग्जैक्ट ऐड कीवर्ड्स। अब यहाँ पे हम तो ये कह रहा है कि ये मैक्सिमम नंबर है 10,507। तो ये जो जितने इम्प्रेशंस है वो इनका एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अगर इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर लें तो आपको कितनी ट्रैफिक मिल सकती है पर मंथ। इसका ये एक जो डाउनफॉल है वो ये है कि जो छोटे कीवर्ड्स होते हैं उनका शो नहीं होता। तो बेहतर तो ये है कि आप थोड़े बहुत स्पेंड कर लें, मतलब SEO जो है ये चीप चीज़ नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट हो तो बेहतर रहता है। उसके अलावा यहाँ से ग्रुप आइडियाज़, ये LSI वगैरह फाइंड करने हो या एक कीवर्ड के रेलिवेंट फाइंड करने हो तो उसके लिए ये सबसे बेहतरीन है। अच्छा जी, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कीवर्ड को लोकल चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, पाकिस्तान में मतलब एस्टिमेटेड इतनी सर्चेस की जाती हैं। तो प्लान ओवरव्यू में जाएं तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट किए हैं कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा सर्चेस की जाती हैं। पंजाब 72%, सिंध 17% और खैबर पख्तूनख्वा 3%, इस्लामाबाद 3%। सबसे ज़्यादा यूज़र्स होते हैं डेस्कटॉप के 53% और ये मोबाइल के। उसके अलावा ये इसका फोरकास्ट, इसके ज़रिए यहाँ से आप लोकल कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकते हैं, मतलब जो आपके लोकल बिजनेस के रिलेटेड वर्ड्स हैं आप उन्हें ऐड करें इसमें और फिर आप यहाँ से चेक करें। आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, अगर कोई उर्दू के रिलेटेड कीवर्ड है तो उर्दू सेलेक्ट कर लें यहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद लो कंपटीशन कीवर्ड्स,
तो बेसिकली इसके लिए कोई एक वो KGR का मेथड है, वो हम यूज़ करते हैं इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे हम इस्तेमाल करना। तो यहाँ से आप कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए सबसे बेहतरीन है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक कमर्शियल इंटेंट वाला कीवर्ड लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट मदरबोर्ड। अच्छा जी, तो आपने वो कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जिनका वर्ड काउंट जो है वो 4 वर्ड से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो कीवर्ड्स हैं इनको अगर गूगल में लिखा जाए तो आप देख सकते हैं रेडिट पोस्ट रैंक कर रही है, मतलब कि इसे कम्पीट किया जा सकता है। अब ये भी रेडिट है, ये भी रेडिट है, मतलब इन्हें आराम सुकून से आउट रैंक किया जा सकता है। तो मैंने जो मैनुअल डिफ़िकल्टी चेक की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सारे फैक्टर्स बताए थे, अगर वो फैक्टर्स मौजूद हों तो आउट रैंक किया जा सकता है। उसके अलावा ये नीचे भी कुछ रेलिवेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, इन्हें भी देख सकते हैं हम। ये देखें, ये जो है इस पर आराम सुकून से इस कीवर्ड पे आप 3rd पोजीशन तक रैंक कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये कीवर्ड है, तो ये भी काफ़ी हद तक लो कंपटीशन है, इस पे भी आराम सुकून से आप 4th पोजीशन तक आ सकते हैं अगर आपकी अथॉरिटी ना हो और न्यू वेबसाइट हो। उसके अलावा ये कीवर्ड है, इसका थोड़ा फर्स्ट पेज का कंपटीशन ज़्यादा है, तो ये न्यू वेबसाइट के लिए नहीं ठीक। उसके अलावा ये कीवर्ड देखा जाए तो इसमें भी 5th पोजीशन तक आराम सुकून से रैंक किया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद ये कीवर्ड, अच्छा आप लोग समझ रहे होंगे कि इसकी 10-20 है मतलब मंथली वॉल्यूम। अगर आप सच पूछें तो इसकी एवरेज कम से कम मेरे ख्याल से मंथली 400-500 होगी, और जो ये आपको मंथली कम से कम एक कीवर्ड जो ये है ना, अगर आप फर्स्ट पे रैंक कर जाएं तो ये ग्राफिक कार्ड है, और ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड ये काफ़ी महंगे होते हैं, मतलब $500-600 के सेल होते हैं, और आराम से आपको $50-60 कमीशन मिल जाती है। मतलब अगर आपकी रोज़ की एक भी सेल हो ना तो वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो कम से कम भी ये आपका 150 से $200 आप बना सकते हैं अगर आप इनमें से किसी एक कीवर्ड पर भी रैंक कर जाएं तो। अब ये देखें, ये मतलब कंपटीशन ना होने के बराबर है। अब यहाँ पे लिखते हैं बेस्ट ग्राफिक कार्ड, अब ये जो कीवर्ड है इसे देखते हैं, इसका कंपटीशन काफी लग रहा है मुझे, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। बेस्ट ग्राफिक कार्ड्स अंडर 200, तो इसका कंपटीशन काफी है। उसके अलावा ये फीचर भी वैसे है, ये सॉरी थोड़ा मिस हो गया, ये इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया,
इसमें ब्रांड कीवर्ड्स को अलग कर सकते हैं, अवार्ड वाले, ईयर, कार्ड, रेजोल्यूशन, कंप्यूटर, इस तरह करके ये जो रेलिवेंट टॉपिक्स हों उसके हिसाब से आप सॉर्ट कर सकते हैं। से सॉर्ट बाय मंथली सर्चेस करेंगे तो वहाँ से हमें काफ़ी आइडिया हो जाएगा। अब ये देखें, ये कीवर्ड भी काफ़ी हद तक लो कॉम्पिटिटिव है, मतलब इसके ऊपर भी रैंक किया जा सकता है। उसके अलावा अगर देखते जाएं तो काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिन पे आउट रैंक करना आसान है। अब ये देखें, इस पे भी आउट रैंक किया जा सकता है। तो इसी के साथ ही आज के ट्यूटोरियल का एंड हो रहा है। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपके पास कोई सजेशन वगैरह हैं तो वो आप नीचे कमेंट्स में एंटर कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। स्किल्स अकेडमी से सीखें कोई भी स्किल बिल्कुल मुफ्त। वर्डप्रेस, एसईओ, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट और किसी भी किस्म का स्किल। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो वहाँ पे आप स्किल्स अकेडमी की ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। अगर आपको किसी भी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें एसईओ मास्टर्स अकेडमी और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें।